बच्चों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अध्याय 14 को, और ये क्या है बच्चों, ऊर्जा के स्रोत। तो तुम बोलोगे ऊर्जा के स्रोत, यह चैप्टर हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो बच्चों तुम जानते हो कि हमारे घरेलू उपयोग से लेके कल कारखानों और बहुत जगह पर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तुम घरों में देखोगे खाना पकाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तुम देखोगे कि हमारे घर में रोशनी करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। खेतों में पानी पटाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार से कल कारखानों में, मीलों में, मशीनों में, उसको चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कोई ऊर्जा तो ऐसा चीज है नहीं बच्चों की गया और उसे उठाकर घर में ले आया। ऊर्जा के लिए क्या करना होता है, बहुत सारे स्रोतों का उपयोग करना होता है। तो कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिसको हम लोग बहुत पहले से उपयोग में लाते जा रहे हैं, मतलब पुराने काल से उसको उपयोग में ला रहे हैं। जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, ये सब सभी तुम लोग जानते हो। तुम लोग गांव देहात से यदि जुड़े हो तो तुम जानते हो कि हम लोग उपले का उपयोग करते हैं, गोइठे का उपयोग करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, ऐसे स्रोत हो गए जिनको हम लोग बहुत पहले से उपयोग में लाते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों बहुत सारे ऐसे आजकल आधुनिक युग में नए नए ऊर्जा के स्रोतों को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, जो कि तुमने शायद कभी जीवन में उसका नाम भी नहीं सुना होगा। तो बच्चों यहां पर हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन शुरू करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊर्जा के एक अच्छे स्रोत में क्या गुण होने चाहिए, यही क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे घरों में यदि हम लोग लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो कोयला बहुत अच्छा उदाहरण यहां हो सकता है। तो बच्चों तुमने देखा होगा कि कोयला कई प्रकार का होता है। कुछ कोयला क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा ताप निकलता है, बहुत देर तक ताप निकलता है। लेकिन कुछ कोयला क्या होता है, एकदम पत्थर होता है, उसमें तुम्हें उतना ऊर्जा नहीं मिलेगा। इस तरीके से यहां पर देखोगे कि कुछ ऊर्जा के स्रोत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऊर्जा के स्रोत उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो चलो यहां पर वही हम लोग देख रहे हैं। तो तीन पॉइंट तुम्हें लिखना होगा और इस चैप्टर से बच्चों जान जाओ, तीन नंबर का क्वेश्चन तो जरूर आएगा और एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा, तुम उसको अपने से बनाकर भी लिख सकते हो। तो बहुत अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो तो तुम आसानी से इस चैप्टर से तीन नंबर हासिल कर सकते हो। तो बोलेगा कि अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। तो अच्छे ईंधन के क्या गुण होने चाहिए, तो सिंपल सा बात है, या प्रति यूनिट वॉल्यूम या मास के हिसाब से अधिक कार्य करे। मतलब कि क्या हुआ, यदि इसके मास को मास मतलब क्या हो गया कि मात्रा समझ लो, कि थोड़ी मात्रा में इसको यदि जलाया जाए तो ज्यादा इससे क्या निकले, कैलोरीफिक वैल्यू का मान निकले। मतलब क्या हो, इससे ज्यादा ऊष्मा हमें प्राप्त हो। दूसरा क्या हो गया बच्चों, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, और साथ ही साथ यह हमारे रेंज का होना चाहिए, पहुंच का होना चाहिए। यह क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो तीन चीजें हम लोगों ने जानी, इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा जलाओ तो ज्यादा ताप मिले। दूसरा क्या हो गया, यह आसानी से उपलब्ध हो, और तीसरा क्या हो गया, यह सस्ता हो। तो ये ईंधन के गुण हैं। अब देख सकते हो एलपीजी भारत में जान रहे हो कि हर जगह यूज होता है। एलपीजी मतलब क्या हो गया, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो भारत में शहरों में मुख्यतः जो घरों में यूज हो रहा है वह क्या हो रहा है, एलपीजी का उपयोग हो रहा है, और एलपीजी के द्वारा घरों में खाना पकाया जा रहा है। और अब तो गांव देहात में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आखिर क्यों इसका उपयोग किया जा रहा होगा, क्योंकि इसमें सारे गुण वैसे मिलते हैं, इसलिए इसको उपयोग में किया जा रहा है। तो तुम देख सकते हो एलपीजी में भी बहुत सारा अच्छा अच्छा गुण है, जो कि मैंने बताया, आसानी से उपलब्ध है, सस्ता है, साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छा ऊष्मा हमें प्राप्त होता है। तो इन्हीं कारणों से उसको एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है किसी भी ईंधन के लिए। तो
तो इस तरीके से अब ईंधन तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ईंधन वैसा पदार्थ हो गया जिससे कि हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जैसे लकड़ी क्या हो गया, ईंधन हो गया, कोयला क्या हो गया, ईंधन हो गया, एलपीजी गैस क्या हो गया, ईंधन हो गया, इसी तरीके से केरोसिन तेल क्या हो गया, ईंधन हो गया। तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सबसे पहले मैंने बताया कि कुछ ऐसे ईंधन है बच्चों जिसको हम लोग प्रारंभिक काल से ही उपयोग में लाते जा रहे हैं, बहुत सालों से उपयोग में ला रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत स्रोत। मतलब परंपरा से ही उसको उपयोग में लाया जा रहा है, आज भी उसको गांव में उपयोग लाया जा रहा है, बहुत जगह उपयोग लाया जा रहा है। जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, साथ ही साथ तुम्हारा क्या हो गया, गोबर का गोइठा उपला हो गया। तो ये क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। तो उदाहरण में तुम देख सकते हो, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पनबिजली हो गया, ये क्या हो गए, ये बच्चों हो गए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो क्या ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत स्रोत भी हैं? बिल्कुल, ऊर्जा के कुछ गैर परंपरागत स्रोत भी हैं जिसको भी हमको पढ़ना है। तो वे क्या है बच्चों, जैसे कि क्या हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, नाभिकीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, या बोलेंगे कि समुद्र से प्राप्त ऊर्जा हो गया। ये सारे ऊर्जा क्या है बच्चे, या ऊर्जा के स्रोत कैसे हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो उसको भी तुमको क्या करना है, पढ़ना है। तो चलो यहां देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो तुमने कोयला, पेट्रोलियम, इसका तो नाम सुना है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आखिर कोयले को जीवाश्म ईंधन क्यों बोला जाता है, या फिर पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों बोला जाता है। तो बहुत सिंपल सा बात है बच्चों, जो कोयले का निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है, लाखों वर्ष पहले बहुत सारे जो पेड़ पौधे थे उनके जमीन में क्या होने के कारण, कंप्रेस होने के कारण, दबने के कारण उस वह किस चीज में परिवर्तित हो गए हैं, कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। उसका एक खास प्रेशर है, अत्यधिक दबाव और ताप के कारण वे जो पेड़ पौधे थे वे किस चीज में परिवर्तित हो गए हैं बताओ, वे जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयले में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक इसी तरीके से समुद्री सूक्ष्म जीवों के उसके तलहटी में जम जाने के कारण और उसमें कंप्रेशन होने के कारण, ताप और दाब के प्रभाव के कारण वह किस चीज में परिवर्तित हो गया है, वह पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गया है। तो इस तरीके से देखोगे वह किसके कारण है बना है, जीव के कारण बना है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन, मतलब वह फॉसिल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो यहां देख सकते हो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण किससे हुआ है, जीवाश्म से हुआ है, इसलिए इन्हें हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। करोड़ों वर्ष पहले जो बायोमास दलदल में दब गया था उससे क्या बना, कोयला बना। करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो पृथ्वी के नीचे क्या दब गया, तुम्हारा पेड़ पौधे जो थे वो दब गए, कंप्रेस हो गए और ताप और दाब के प्रभाव के कारण वो किसी में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक इसी तरीके से करोड़ों साल पहले जो बायोमास समुद्र की तली में दब गया वहां ताप और दाब के प्रभाव के कारण फिर वो किसी में बदल गया, पेट्रोलियम में बदल गया। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो इसी कारण से इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। अब देख सकते हो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ईंधन जो कि भारत में यूज हो रहा है, देख सकते हो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है, कोयला है, उसके बाद हरा हरा देख सकते हो ये पेट्रोलियम है, फिर ये जल से भी बहुत ज्यादा हम लोग उससे ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, वो हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, फिर देख सकते हो यहाँ पवन ऊर्जा का दिखाया गया है और नाभिकीय ऊर्जा का दिखाया गया है। तो इस तरीके से भारत में देख सकते हो कि सबसे ज्यादा हम लोग जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वह किससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, कोयला से प्राप्त कर रहे हैं। तो इसे भी तुम याद रख सकते हो। बच्चों यहां देख सकते हो जो ऊर्जा के यहां पर संसाधन है उनका उपयोग कहां कहां किया जा रहा है, जैसे कि कोयला का मुख्य रूप से उपयोग कहां कहता है, कोयले का उपयोग कहां कहां हम लोग करें, तो कोयले का उपयोग बहुत जगह किया जा रहा है। एक उपयोग तो तुम खुद ही जानते हो कि हमारे घरों में अभी भी भारत में बहुत सारे घरों में जो खाना पकाया जाता है, घर में रसोइयों में जो खाना पकाया जाता है वह किसके द्वारा पकाया जाता है, कोयला के द्वारा पकाया जाता है। यदि हम लोग
आगे बात करें बच्चों, तो तुम देखोगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अभी भी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, कोयला ही है। ठीक इसी प्रकार से तुम देखोगे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहां पर कोयला को जलाकर बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, वहां भी मुख्य रूप से ऊर्जा के लिए किस चीज का उपयोग किया जा रहा है, कोयले का उपयोग किया जा रहा है। यदि पेट्रोलियम का बात करें तो तुम तो जानते ही हो कि मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उपयोग किस में किया जाता है, वाहनों में किया जाता है, साथ ही साथ पावर प्लांट फैक्ट्री घरों में भी होता है। तुम जो जनरेटर चलाते हो वो किस चीज से चल रहा है, पेट्रोलियम से ही चल रहा है। तो पेट्रोलियम में बहुत सारे पदार्थ आते हैं बच्चों, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सारे पेट्रोलियम का ही हिस्सा है। पेट्रोलियम मतलब तुम पेट्रोल बिल्कुल भी मत समझना, पेट्रोल के साथ और भी केरोसिन तेल डीजल ये सारे चीज भी क्या होते हैं, पेट्रोलियम में ही आते हैं। इसके बाद देख सकते हो हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पावर प्लांट में बिजली पैदा करने के लिए होता है। तो ये सारे भी एनर्जी के सोर्स हैं, एनर्जी के स्रोत हैं, जिनको आगे हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी जीवाश्म ईंधन पढ़ रहे हैं। तो जीवाश्म ईंधन के बहुत सारे लाभ भी हो सकते हैं और उससे ज्यादा हानि भी हो सकता है। तो जीवाश्म ईंधन क्या है, बहुत आसानी से अभी उपलब्ध है। जीवाश्म ईंधन में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोयले के बारे में पढ़ रहे हैं और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ रहे हैं, इन्हें ही जीवाश्म ईंधन कहते हैं। लकड़ी को जीवाश्म ईंधन नहीं कह रहे हैं, गोइठे को जीवाश्म ईंधन नहीं कह रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी जिसे पवन ऊर्जा कह रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, उसको हम लोग बोलो उसको हम लोग यहां पर जीवाश्म ईंधन नहीं कह रहे हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ते जाओ इस वीडियो में, ऐसा नहीं कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो बताओ जीवाश्म ईंधन क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन में कोयला आ गया और पेट्रोलियम आ गया, बहुत अच्छे। इसी तरीके से पढ़ते जाओ तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, ये तुम ही जानते हो। दूसरा ये सस्ता है, अभी सस्ता है, हो सकता है भविष्य में काफी महंगा हो जाए, लेकिन अभी ये हमें सस्ता पड़ रहा है, आसानी से उपलब्ध है, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इसको ले जा सकते हैं। साथ ही साथ क्या है, इसमें ऊष्मा की भरपूर मात्रा तुम्हें मिल जा रही है, इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से आसान है। तो बहुत सारे पॉइंट्स तुम लिख सकते हो, खुद से बना बना कर भी लिख सकते हो, इसलिए जीवाश्म ईंधन का हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी प्रयोग कर रहे हैं। अब देखोगे कि जीवाश्म ईंधन से क्या हानि है, बहुत ज्यादा हानि है। जीवाश्म ईंधन से इतना ज्यादा हानि है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तुमने प्रदूषण का तो नाम सुना है, वायु प्रदूषण का नाम सुना है, तो जो वायु प्रदूषण है उसमें मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, इस जीवाश्म ईंधन की ही भूमिका होती है। तो बच्चों जब हम लोग जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जो कि वायुमंडल में चले जाते हैं और हमारे वायुमंडल को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। इसलिए ये जीवाश्म ईंधन हमारे लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है वह क्या है, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, यही क्या है मुख्य रूप से आज जो हमारे प्रकृति में जितना भी ये पर्यावरण में जो तुम देख रहे हो प्रदूषण, मुख्य उसमें भूमिका किसकी है बताओ, जीवाश्म ईंधन की है। तो तुम देख सकते हो जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो उससे मुख्य रूप से क्या निकलता है बच्चों, CO2 निकलता है। जीवाश्म ईंधन को जलाया जाएगा तो क्या निकलेगा, CO2। जैसे कि कोयले को जलाओगे तो उससे निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कभी कभी देखोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ और भी बहुत सारे गैसेस का फॉर्मेशन होता है जो कि हानिकारक है, जो हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो तुम देख सकते हो यहां पर फॉसिल फ्यूल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। तो बच्चों यहां पर ग्लोबल वार्मिंग तुम थोड़ा समझ सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग क्या है बच्चों, हमारे अर्थ का गर्म होना और गर्म होना, वही क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। तो सबसे पहला तो ग्लोबल वार्मिंग में हम लोग को ये समझना होता है कि हमारा जो अर्थ, देखो बच्चों यही क्या है, हमारा अर्थ है मतलब पृथ्वी है। तो कुछ वर्ड्स तुम यदि इंग्लिश में सीख लेते हो तो उससे कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि सब वर्ड हिंदी में ही हो तभी तुम्हें समझ में आएगा,
कुछ वर्ड्स इंग्लिश में भी समझ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहां पर क्या हुआ, ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी ऊर्जा कहां से प्राप्त करता है बच्चों? तो पृथ्वी जो ऊर्जा है वह मुख्य रूप से सूर्य से प्राप्त करता है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो पृथ्वी के चारों ओर बच्चों क्या है बताओ, वायुमंडल है। क्या है बताओ? वायुमंडल, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं बच्चों। तो देखोगे कि यहां पर कुछ गैसेस ऐसे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। हमारे वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसेस हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। उनमें सबसे प्रमुख क्या हो गया तुम्हारा, CO2। बताओ CO2 को क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस गैस बोलेंगे। तो यदि तुम्हारे एग्जाम में कभी आएगा कि CO2 कैसा गैस है, तो तुम बोलोगे ग्रीन हाउस गैस है। तो हमारे एनवायरमेंट में जो CO2 की मात्रा है वह क्या है, वह अभी नॉर्मल है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। हमारे एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा कितनी है, जितनी होनी चाहिए उतनी ही है। तो देखो CO2 का क्या फायदा है, सबसे पहले फायदा देख लो। तो CO2 हमारे एनवायरमेंट में है, इससे हमें फायदा क्या है, हमने बेनिफिट क्या है, हानि तो बाद में पढ़ेंगे, पहले फायदा पढ़ेंगे। तो बच्चों इसी के कारण हमारा जो पृथ्वी है वह पर्याप्त रूप से गर्म है, जिसके कारण हम लोग यहां पर निवास कर रहे हैं। इस CO2 के कारण ही हमारा पृथ्वी नॉर्मल रूप से गर्म है, जिससे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां बहुत मजे से रह रहे हैं, आनंद ले लेके रह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि इस CO2 की मात्रा बहुत बढ़ जाए, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, लेकिन यदि CO2 का मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाए तो पृथ्वी और गर्म हो जाएगा। थोड़ा CO2 का मात्रा और बढ़ जाए तो पृथ्वी और गर्म हो जाएगा। तब तुम्हें मजा आएगा यहां पर, नहीं मजा आएगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, कि अभी CO2 का मात्रा नॉर्मल है तो हमारा पृथ्वी गर्म है, उसी कारण से हम यहां पर रह रहे हैं। तो ये फायदा हुआ या नुकसान हुआ, फायदा हुआ। लेकिन धीरे धीरे यदि गर्मी CO2 बढ़ते जाएगा और यहां का गर्मी और बढ़ते जाएगा, तो फिर क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं अच्छा नहीं होगा। तो यही है CO2 का प्रभाव। तो आखिर CO2 ऐसा क्या करता है कि हमारा पृथ्वी नॉर्मल रूप से गर्म है, यदि यहां पर देखोगे इस एटमॉस्फेयर में इसे गायब कर दिया जाए पूरा तरीका से, तो हो सकता है कि हमारा पृथ्वी बहुत ठंडा हो जाए, जिससे कि हम यहां रह ही नहीं सकें। तो आखिर ऐसा क्या प्रोसेस होता है, तो देखो क्या प्रोसेस होता है, तो समझो इस बात को, बहुत आसान है। तो सूर्य का जो एनर्जी आ रहा है पृथ्वी तक बच्चों, तो पृथ्वी को क्या कर रहा है, गर्म कर रहा है। और उसके बाद जो पृथ्वी से जो एनर्जी है वह आगे रेडिएट होता है, देख सकते हो यहां पर ये पृथ्वी का एनर्जी है, मतलब सन से जो एनर्जी आ रहा है पृथ्वी तक, उसके बाद वह पृथ्वी क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी को बाहर फेंक दे रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और उस एनर्जी को ये CO2 क्या करता है, वह रोक के रखता है। CO2 क्या कर रहा है, ये जो हीट एनर्जी निकल रहा है बच्चों, इस हीट एनर्जी को CO2 के कारण, या बोलेंगे ग्रीन हाउस अदर गैसेस हैं उसके कारण, ये क्या करता है, उस गर्मी को यहीं पे रखता है, हमारे पृथ्वी के चारों ओर बरकरार रखता है, जिसके कारण हमारा पृथ्वी क्या है, गर्म है। यानी कि ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, ये समझ सकते हो, एक कंबल की तरह काम करता है, जो कि पृथ्वी के गर्मी को वहीं पे रखता है, पृथ्वी से बाहर जाने नहीं देता है। लेकिन मान लो यदि इसका मात्रा CO2 का मात्रा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, CO2 का मात्रा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, CO2 का मात्रा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे CO2 का मात्रा बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे यहां पर हीट एनर्जी को रोकने का क्षमता क्या होते जाएगा, ज्यादा होते जाएगा, और बहुत ज्यादा गर्मी यहां पर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, गर्मी होता चला जाएगा। यानी हमारा ग्लोब क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो CO2 का लेवल जितना है उतना तो ठीक है, लेकिन यदि CO2 का लेवल बढ़ते जाए तो बताओ हानिकारक हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा, और हमारा पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगा, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है।
अब देख सकते हो इसके बाद कि ग्रीन हाउस गैस भी तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या है। अब देख सकते हो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह भी कैसे निकल रहा है, जीवाश्म ईंधन को जलाने से निकल रहा है। तो यह एक जहरीली गैस है, भले ही इसका कंसंट्रेशन कम ही क्यों ना हो, तो यह एक कैसी गैस है, जहरीली गैस है। इसके बाद बच्चों आता है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा भी बहुत आसान है, समझोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं तो बहुत सारे गैस कहाँ चले जा रहे हैं, एनवायरमेंट में चले जा रहे हैं। तो उनको याद रखो, क्योंकि ये जो है तुम्हारा अम्ल वर्षा, ये एग्जाम में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है। तो तुम्हें बोलना है जब बहुत सारे फॉसिल फ्यूल को, यानी जीवाश्म ईंधन को, फॉसिल फ्यूल इंग्लिश में हो गया और जीवाश्म ईंधन क्या हो गया, हिंदी में हो गया। तो मैंने बताया कुछ वर्ड्स को हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो जब जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो बहुत सारे जो गैस हैं वह इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। तो कौन कौन गैस इन्वायरमेंट में जा सकते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहला क्या हो गया, CO2, फिर क्या हो गया, SO2, फिर क्या हो गया, NO2 या NOx, जो भी बोलो। यहाँ पर देखो NO2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, NO2, ठीक है। NOx मतलब क्या हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, X मतलब यहाँ कोई अंक रखा जाएगा, तो NO2 हो गया, SO2 हो गया, और क्या हो गया, CO2 हो गया। ये सब कहाँ चला गया बताओ, इन्वायरमेंट में। देख लो यहाँ NO2, SO2, CO2। तो इसको याद करना होगा बच्चों कि जब जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो ये सारे गैसेस कहाँ पहुँच गए, इन्वायरमेंट में पहुँच गए। और इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है बताओ, जल प्रेजेंट है। जल मतलब क्या, वाटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये वाटर से रिएक्शन करेंगे ये तीनों, तो अलग अलग ये क्या बनाएंगे कि अम्ल बनाएंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हो इससे क्या बनेगा, तो यहां देख सकते हो इससे क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। और CO2 से क्या बनेगा, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से ये क्या बनेगा, अम्ल बनेगा। और बारिश की बूंदों के साथ जब ये हमारे पृथ्वी पे गिरेगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तुमने समझ लिया कि जब फॉसिल फ्यूल को जलाया जाएगा तो बहुत सारे गैसें जैसे NO2, SO2, CO2 कहाँ चले जाएंगे, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे। और वहाँ वो वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देंगे बताओ, नाइट्रिक अम्ल बना देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना देंगे, कार्बोनिक अम्ल बना देंगे। और जब वही पानी के साथ बरसेगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये देख सकते हो ये सारे क्या है, अम्ल हैं बच्चों, ये सारे क्या है, अम्ल है। इसीलिए इस वर्षा को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। तो ये अम्ल वर्षा क्या होता है बच्चों, बहुत ही हानिकारक होता है हमारी पृथ्वी के लिए। क्या है, बहुत ही हानिकारक है। बहुत सारे इमारतों को इससे बहुत हानि होगा। यदि यह वर्षा कहाँ होगा बताओ, तालाबों में, नदियों में जाएगा पानी, यह जाएगा तो वहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं उनको भी यह क्या करता है, बहुत ही हानि पहुँचाता है। इसके बाद देख सकते हो अनवीकरणीय एनर्जी सोर्स होता है, जैसे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं और कुछ होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे, जिसको हम लोग वापस से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जल हो गया, उससे जो एनर्जी प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वैसे होते हैं जिन्हें हम लोग यूज करने के बाद, उपयोग करने के बाद वापस से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। और बाकी जो मैंने बताया उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह सकते हैं। अब यहां देख सकते हो तापीय विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया गया है। तो थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है बच्चों, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है, जो हीट एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। तो हीट एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाएगा, या फिर किसी भी प्रकार के एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कैसे अल्टीमेटली प्राप्त करेंगे, उसका एक छोटा सा यहाँ पर रूल है। तो यहाँ देख सकते हो क्या रूल है, सिंपल सा बात है,
कि जो हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, उष्मा मिलेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे, पानी को गर्म करेंगे। और पानी को गर्म करने के हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ, टरबाइन को घुमाते हैं। और टरबाइन को घुमाने के बाद हमें क्या निकल प्राप्त होता है बताओ, बिजली प्राप्त होता है। तो यही रूल याद करना है, अभी से जितनी बार मैं पढ़ाऊंगा तो बिजली उत्पादन के लिए बहुत सिंपल सा चीज तुम्हें समझना है, वह यह है कि हम लोग कोई भी ऊष्मा या फिर कोई ऊर्जा का स्रोत को उपयोग लाएंगे, कोई भी चीज यहां पर हो सकता है, एकदम इसे याद कर लो, क्योंकि आगे जो भी टॉपिक पढ़ोगे फिर इसी को समझना होगा तुम्हें, वहां भी यही चीज पढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या निकलेगा, ऊष्मा, और ऊष्मा से टरबाइन को बच्चों घुमाया जाता है, और जब इस टरबाइन को घुमाया जाता है तो उसी से फिर क्या निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली पैदा होता है। तो ये छोटा सा नियम याद रखो, आगे भी हम लोगों को उसी को फॉलो करना है। जैसे सिंपल सा मैं बता रहा हूं, मान लो नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा से बिजली कैसे उत्पादन किया जाएगा, तो नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मा लिया जाएगा, ऊष्मा से पानी को गर्म किया जाएगा, पानी को गर्म करने के बाद उससे वाष्प बनाया जाएगा, वाष्प से टरबाइन को घुमाया जाएगा, और टरबाइन से क्या पैदा हो, घुमाने पर क्या पैदा होगा, बिजली पैदा होगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों कोई भी एनर्जी है, जैसे भूतापीय एनर्जी, भूतापीय ऊष्मा मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, तो उसमें भी यही करना है, भूतापीय ऊष्मा का उपयोग करना है और उससे क्या करना है, जाके टरबाइन को घुमा देना है, और उससे फिर क्या पैदा होगा, बिजली पैदा होगा। मतलब कोई भी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करेंगे, टरबाइन को घुमाएंगे और हम लोग बिजली प्राप्त करेंगे। जैसे यहां बहुत अच्छे से तुम देख सकते हो, यहां देख सकते हो यहां किस तरीके से जलाशय में पानी भरा हुआ है, और इस पानी को इस तरीके से हम लोग यहां पर ले जाएंगे और क्या घुमाएंगे, टरबाइन को घुमाएंगे। और जैसे ही टरबाइन को घुमाओगे, यहां पर जनित्र के माध्यम से हम लोगों को क्या प्रोडक्शन होने लगेगा, बिजली प्रोडक्शन होने लगेगा। तो कुल मिला के यहां पर कुछ चीज को घुमाना है। तो बोलो ये घुमाने से ऊर्जा कैसे निकलती है, तो ये हम तो मैंने तुम्हें बताया विद्युत का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर में कैसे जनित्र काम करता है, किस तरीके से उसमें हम लोग टरबाइन को घुमाते हैं और उससे फिर हम लोग को बिजली पैदा होता है। तो वो चैप्टर तुम पढ़ लो तो तुम्हें ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो बस तुम्हें क्या समझना है कि मुख्य रूप से हमें टरबाइन घुमाना है, हाथ से घुमा दो तब भी बिजली पैदा होगा, यदि उसमें तुम मैकेनिकल कोशिश से घुमाओ तब भी बिजली पैदा होगा, पानी से घुमा दो तब भी बिजली पैदा होगा, स्टीम यानी कि वाष्प से घुमा दो तब भी बिजली पैदा होगा, तुम्हें बस यहां पर इसको घुमाना होता है। तो ये जो घुमाना है, यदि फास्ट घूमेगा तो ज्यादा बिजली पैदा होगा, स्लो घूमेगा तो कम बिजली पैदा होगा, ये तुम्हें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये यदि ये कॉन्सेप्ट आता है तो तुम एकदम आसानी से इस चीज को फिर कर सकते हो। तो तुम देख सकते हो यहां पर थर्मल पावर प्लांट में हीट एनर्जी को उपयोग करके हम लोग क्या पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। तो यहां पर देख सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट, अब हम लोग देखेंगे तो थर्मल पावर प्लांट समझ में आ गया, वहां पर मान लो कि कोयला को जलाते हैं, कोयला को जलाने के बाद हम लोग वाष्प तैयार करेंगे, वाष्प से टरबाइन को घुमाएंगे, टरबाइन से बिजली को पैदा करेंगे। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट से बहुत सारे प्रश्न तुमसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ना होता है। देखो यहां पनबिजली प्लांट यानी कि इसको जल वैद्युत संयंत्र के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट को जल वैद्युत संयंत्र के नाम से भी जानते हैं। तो तुम जानते हो कि बड़े बड़े डैम बनाकर पानी को क्या किया जाता है, रोका जाता है, और पानी को रोककर फिर ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पानी को बहुत प्रेशर में कहीं डाला जाए, और जब प्रेशर में यहां डालोगे और उसके बाद कुछ तो घुमाना होता है। तो यहां पर क्या घुमाते हैं हम लोग, टरबाइन को घुमाते हैं। जैसे ही टरबाइन को घुमाएंगे जनित्र काम करेगा और यहां देख सकते हो बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो जल वैद्युत संयंत्र की व्यवस्था इस तरीके से होती है। तो कभी तुम्हें एग्जाम में यदि चित्र बनाने आ जाए कि जल वैद्युत संयंत्र का चित्र बनाइए कैसे काम करता है, तो आसानी से यहां तुम बना सकते हो। देखो यही क्या हो गया, डैम हो गया, यहां पर ये जलाशय है, बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी को जमा किया गया है, और ये देखो यही कपाट, जल कपाट है, इसको ऊपर कर दोगे तो पानी जाने लगेगा,
बंद कर दोगे तो पानी नहीं जाने जाएगा, यहां से पानी गया और ये घर इसको घुमा रहा है, इसे गोल 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 घुमाएगा और ये पानी आगे की ओर चला जाएगा, घूमेगा तो बिजली पैदा होगा और उसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो तुम जानते हो कि हमारे घरों में ये जो बिजली आ रही है वो मुख्य रूप से दो स्रोतों से आती है। एक तो थर्मल पावर प्लांट, जहां पर कोयले को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है और उससे बिजली बनाया जाता है, और दूसरा है तुम्हारा जल विद्युत संयंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा इन्हीं से प्राप्त होती है। अब देख सकते हो यहां मैंने जैसे बताया वैसे ही यहां पर बिजली को पैदा किया जा रहा है। तो जल विद्युत संयंत्र में लाभ क्या क्या है और हानि क्या क्या है यह भी तुमको पढ़ना है, क्योंकि मैंने बताया इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख सकते हो पानी क्या है, पानी एक नवीकरण संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। तो बांध में इकट्ठा हुए पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए भी किया जाता है और बहुत सारे चीजों के लिए किया जा सकता है। इससे दूर दराज के खेतों तक पानी पहुंचाना संभव हो जाता है। इस तरह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से दो लक्ष्य प्राप्त होता है, पावर जनरेशन और सिंचाई। तो इस प्रकार का जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, बांध वगैरह, जिसमें क्या किया जाता है, एक तरफ से तो बिजली भी उत्पादन होगा और दूसरी तरफ से सिंचाई भी होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज पावर, मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट होता है। तो बहुत सारे राज्यों में ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे बहुत सारी हानि भी है, तो इससे बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो बच्चों ये तुमको कहाँ पढ़ना है, भूगोल में भी पढ़ना है। तो यदि यहां से तुम याद करते हो तो वहां भूगोल में लिख सकते हो, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से सीखते जाओ। तो इससे क्या होगा नुकसान, बांध बनाने से क्या नुकसान होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन तुमको पूछा जाता है। या इस तरीके से बांध बनाकर हम लोग जब बिजली उत्पादन कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे नुकसान क्या होंगे, ये क्वेश्चन बार बार तुम्हें पूछा जाता है। तो बहुत तो आसान है, इतना आसान है कि तुम अपने मन से भी लिख सकते हो। देखो यहां पर यदि बांध बनाया गया, पानी को रोका गया, तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया को क्या करना पड़ेगा, घेरना पड़ेगा। वहां जितना भी मान लो पेड़ पौधे होंगे वे सब नष्ट हो जाएंगे, वहां जितने जीव जंतु होंगे वे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मतलब पहला नंबर क्या हो गया, वहां का जैव विविधता क्या हो जाता है, संकट में आ जाता है सबसे पहला। दूसरा, वहां बहुत सारे लोग रह रहे होंगे, उनको एक जगह से फिर दूसरी जगह हटाना होगा, मतलब उनका विस्थापन करना होगा। तो ये दो प्रॉब्लम हो गया। तो यहां तीसरा देख सकते हो, तीसरा यहां देखोगे जो पानी जहां पर बांध बनाया गया, तो वहां पर बहुत सारे बांध बनाने समय ऐसा थोड़े ना है कि वहां का लकड़ी को हटा के दूसरी जगह ले गया, ले जाया गया, वहां के प्लांट्स को उखाड़ उखाड़ के दूसरी जगह, वो तो वहीं पे रह जाएगा। तो नीचे जब वो जम जाएगा तो वहां पर बहुत सारे गैसेस भी निकल सकते हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। तो यही सब पॉइंट तुम लिख दोगे, कहाँ लिखोगे, साइंस में भी लिखोगे और कहाँ लिखोगे, भूगोल में भी लिखोगे, दोनों जगह लिख देना, 3-3 नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। तो बच्चों अब हम लोग को देखना है कि जो हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं उसको हम लोग और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर ले सकते हो, जैसे तुम देख सकते हो कि हम लोग जो जलावन की लकड़ी यूज करते हैं, तो उसमें जो चूल्हे में हम लोग उसको उपयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, जिससे कि बहुत सारा परेशानी होगा, बहुत सारा बीमारी भी हो सकता है। तो आखिर उसको हम लोग कैसे नए तरीके से यूज करें, जिससे कि वह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहे, उससे ज्यादा धुआं भी ना निकले और उससे हमारा भोजन पक जाए या अन्य यूज में उसको हम लोग ला सके। तो यहां देख सकते हो लकड़ी को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जलाने पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, चारकोल बनता है। तो यदि हम लोग चारकोल बना देंगे तो उस ऊर्जा के संसाधन का हम लोग बहुत, या फिर बोलेंगे ऊर्जा के स्रोत का हम लोग बहुत अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। इस तरीके से देखोगे यहां पर जो चारकोल हम लोग यूज करेंगे उसमें धुआं नहीं रहेगा और हमारे लिए वो क्या होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक इसी तरीके से बच्चे तुम लोग जानते हो कि गोबर से क्या बनाते हैं हम लोग, गोबर से हम लोग उपले बनाते हैं, गोइठा बनाते हैं, जिसको जलाते हैं, तो जलाने के बाद उससे क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, या बोलेंगे कि उसको जलाने के बाद उससे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि गोबर का अलग तरीका से उपयोग किया जाए और उससे हमें नए प्रकार का ऊर्जा मिले, तो ये हो सकता है बच्चों।
तो यहां देख सकते हो परंपरागत ईंधन का एक अन्य उदाहरण क्या है, गोबर है। तो गोबर को हम लोग क्या करेंगे, एक अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कैसे, गोबर गैस प्लांट के द्वारा। तो गोबर गैस प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, गोबर का या बहुत सारे खरपतवार का उपयोग करते हैं और उससे फिर गैस का फॉर्मेशन होगा और उस गैस को यदि हम लोग यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगा, साथ ही साथ वहां पर देखोगे धुआं वगैरह नहीं होगा, वह स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, अच्छा होगा फिर। तो इस तरीके से ये गोबर गैस प्लांट है, इसी के बारे में तुम्हें यहां पर पढ़ना है। तो यहां देख सकते हो गोबर गैस प्लांट में क्या क्या चीजें हैं, यहां देख सकते हो ये करदम है, फिर यहां पर देखो यही है तुम्हारा डाइजेस्टर, यही मेन इसका भाग है, और यहां पर देख सकते हो गैस जो बनता है ये ऊपर की ओर आता है और ये गैस का निर्गम है, मतलब गैस यहां से निकलता है। इसके बाद जो गोबर है या फिर अन्य चीजें जो डाल रहे हैं खरपतवार, वो क्या हो जाती है, जब सड़ जाएंगे गल जाएंगे तो उनसे फिर हम लोगों को उर्वरक भी मिलेगा। तो देखो कितना सारा फायदा हो गया, तो हम लोगों को इस तरीके से गोबर गैस प्राप्त होता है। तो यहां पर देखोगे, यहां पर कुछ क्वेश्चन तुम्हें आते हैं। एक गोबर गैस प्लांट में एक डाइजेस्टर होता है जिसका ऊपरी हिस्सा गुंबद के आकार का होता है। तो ये देख सकते हो यही क्या है, डाइजेस्टर है, जिसे संपाचित्र कह रहे हैं, और इसमें क्या है, गुंबद के आकार का ऊपर तक, गुंबद मतलब क्या हो गया, इस तरीके से गोल आकृति हो जाएगा। गोबर और फार्म वेस्ट को, फार्म वेस्ट जो मैंने बताया खरपतवार वगैरह हो गया, फार्म वेस्ट को पानी के साथ मिलाकर स्लरी बनाई जाती है, स्लरी को डाइजेस्टर में डाला जाता है। तो यहां देख सकते हो यहां पर से क्या डाला जाएगा, गोबर हो गया और भी जो चीज हो गया उसको क्या किया जाएगा, उसको पानी मिलाकर इस तरीके से, यहां पानी जब मिलाएंगे तो वो स्लरी हो जाएगा और उसको यहां से हम लोग डालेंगे तो वो डाइजेस्टर में आ जाएगा। और डाइजेस्टर में क्या होगा, बिना ऑक्सीजन के, यहां ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, एनारोबिकली, मतलब बिना ऑक्सीजन के वो क्या होगा, वो सड़ेगा गलेगा और उससे फिर गैस का फॉर्मेशन होगा। तो यही सब लिखना है। तो डाइजेस्टर एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें एनारोबिक माइक्रोब द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो मैंने बताया जो गोबर हम लोग डालेंगे, जो अन्य चीजें डालेंगे जो कि सड़ गल सकता है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, बिना ऑक्सीजन के वहां वो सड़ेगा गलेगा और उसके लिए वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, सूक्ष्म जीव होंगे जो उसको सड़ाएंगे गलाएंगे, और जब उसको सड़ाया जाएगा गलाया जाएगा यानी कि उसको डिकम्पोज किया जाएगा तो उसमें से गैस का फॉर्मेशन होगा जिसको फिर क्या किया जाएगा, इकट्ठा होगा, इससे बायोगैस बनती है। बायोगैस का लगभग 75% भाग क्या होता है, मीथेन होता है। बायोगैस बिना धुएं के जलती है। तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बायोगैस, जो कि गोबर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें 75% मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है बच्चों। तो यही मैंने बताया, डाइजेस्टर में गोबर को सड़ाया जाएगा, अन्य सड़ने वाले पदार्थों को यहां पर सड़ाया जाएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ये एयर टाइट रहेगा, और ये जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ेगा गलेगा तो इसमें गैस निकलेगा और उसी गैस को हम लोग क्या कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे, और वो बहुत अच्छा ईंधन का स्रोत माना जाता है क्योंकि उसमें धुआं नहीं रहेगा और भी कुछ चीज उसमें प्रॉब्लम वाला चीज नहीं होगा। बायोगैस को किसी टैंक में स्टोर किया जाता है और फिर इसे किचन फ्यूल की तरह और रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टर में जो स्लरी बच जाता है वह एक अच्छी खाद की तरह काम करता है। तो जो सड़ गल जाता है पदार्थ वो फिर क्या होता है, खाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, ये है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा देख सकते हो किस तरीके से, ये पवन चक्की है और पवन चक्की के द्वारा हम लोग पवन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। तो बहुत प्राचीन काल से ही इसका उपयोग होते जा रहा है। पवन चक्की का उपयोग करके बहुत सारा चीज किया जाता है। तो इससे बिजली भी उत्पादन किया जाता है। पहले रहट होता था ना, उससे चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। तो जिस भाग में बहुत ज्यादा हवा चलती है उस भाग में यहां पर पवन चक्की का को लगाया जाता है और उससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। अभी तो मुख्य रूप से क्या उत्पादन किया जाता है, इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत सारा इससे
काम लिया जाता था। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। मध्यकालीन युग में पवन ऊर्जा का इस्तेमाल पाल वाले जहाज चलाने में किया जाता था। 20वीं सदी की शुरुआत तक पवन ऊर्जा का इस्तेमाल आरा मिल, आटा चक्की और पानी खींचने के लिए भी किया जाता था। तो देख लो पहले कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी हम लोग क्या इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, बिजली बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो तुम बोलोगे बिजली कैसे बनता है, तो ठीक उसी तरीके से बनता है जैसे सभी में बनता है। मैंने बताया यहां से मान लो कि यहां पर क्या लगा रहेगा, यहां पर जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये डायनेमो को ये क्या करेगा तुम्हारा, ये डायनेमो को घुमाएगा। तो ये कैसे काम करेगा, तो देखोगे कि जब पवन चक्की चलेगा तो पवन चक्की चलेगा तो किस चीज को घुमाएगा, टरबाइन को घुमाएगा। और जब ये टरबाइन को घुमाएगा तो उससे क्या पैदा होगा बच्चों, बिजली पैदा होगा। और उस बिजली को किस चीज में स्टोर किया जा सकता है, सेल में, एक बैटरी में उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो देखोगे कि बहुत बड़े बड़े एरिया में बहुत विशाल विशाल पवन चक्की लगे रहते हैं और कई को जोड़ के बहुत ज्यादा बिजली उत्पादन भी किया जाता है। तो ये तुमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पवन चक्की जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बच्चों बहुत बच्चे गलती करते हैं और उसे गैर परंपरागत स्रोत लिख देते हैं, तो ये एग्जाम में तुम्हारा गलती हो जाएगा। वह क्या है बताओ, परंपरागत स्रोत है। तो चलो अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को। तो गैर परंपरागत स्रोत ऐसे हुए जिनका उपयोग हाल फिलहाल में होना शुरू हो गया है, प्राचीन समय से इनका उपयोग नहीं होता आ रहा था। तो देख सकते हो ऊर्जा के जिन स्रोतों का इस्तेमाल हाल में ही शुरू हुआ है उन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। लेकिन इनमें से ज्यादातर अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही हैं और अभी इनका इस्तेमाल करना काफी महंगा है और हर जगह इनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। तो इनमें सबसे पहला देख सकते हो वह क्या है, सौर ऊर्जा, जिसे हम लोग बोलते हैं सोलर एनर्जी, इंग्लिश में बोलते हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो तुम जानते हो कि हमारे पृथ्वी के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मेन स्रोत क्या है, वह है सूर्य। सूर्य से ही हम लोग मुख्य रूप से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कैसे, सूर्य के किरणों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है और उसी से सभी जीव जंतु क्या करते हैं, भोजन करते हैं और जीवित रहते हैं। तो मुख्य रूप से सूर्य से ही हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा मिल रहा है क्या उससे हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं, तो वही यहां पर बताया गया है। तो आजकल देखोगे गांव देहातों में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, सोलर सेल का नाम तुमने सुना होगा, सोलर पैनल का नाम सुना होगा। तो ये बहुत ज्यादा गांव देहात में प्रचलित हो चुका है। यह वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद देख सकते हो यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं होगा और जिससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो बहुत आसान सा चीज था जो तुम समझ गए होगे। सोलर एनर्जी को हम हार्नेस करने के लिए, मतलब इसका उपयोग करने के लिए कई तरीके उपयोग में लाते हैं, उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। तो सोलर कुकर का यहाँ दिया उदाहरण दिया गया, जिसे हम लोग यहाँ बोलते हैं सौर कुकर। तो सौर कुकर कैसा होता है, इस तरीके का होता है, और इसकी बनावट कैसी होती है ये देख सकते हो। तो सोलर कुकर के डिजाइन को यहाँ देख सकते हो। तो सोलर कुकर अलग अलग डिजाइनों में आता है। तो देखोगे यहाँ सोलर कुकर में मेनली यहाँ देख सकते हो यहाँ पर क्या लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है। तो ये दर्पण बच्चों कैसा रहेगा, उत्तल दर्पण रहेगा या अवतल दर्पण रहेगा, तो ये रहता है अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है बच्चों, इस तरीके से अवतल दर्पण होता है, तो जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वह एक जगह क्या होती हैं, एक जगह एक बिंदु पर आ जाती हैं। इस तरीके से देखोगे जो अवतल दर्पण होगा उसमें प्रकाश की किरणें क्या होंगी, एक बिंदु पर आकर मिलेंगी। और इस तरीके से देखोगे तो यहां पर यहां प्रकाश की किरणें आएंगी, परावर्तित होकर ये कहां पहुंच जाएंगी, भोजन तक पहुंच जाएंगी और भोजन यहां पक जाएगा। तो देखो क्या संरचना है इसका, ये एक देख सकते हो यहां पर डब्बा लगा हुआ है और डब्बा के अंदर हम लोग क्या लगा देते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह लगा देते हैं, जिसको ब्लैक कलर से हम लोग क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं। बाहर से थर्मोकोल वगैरह लगा देते हैं और उसके बाद इसमें भोजन को रख दिया जाएगा। और यहां पर ये जो देख रहे हो, यहां पर ये है तुम्हारा, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूं, ये देखो यहां पर शीशा लगा हुआ रहेगा,
यहां पर क्या लगा रहेगा बच्चों, सीसा, इस तरीके से सीसा, ये सीसा से ढका हुआ रहेगा और इसी के अंदर क्या रहेगा, भोजन रहेगा। तो डब्बा रहा, उसमें हम लोगों ने सीसा लगा दिया और जब सूर्य की प्रकाश इस पे पड़ेगा इस तरीके से, तो वो परावर्तित होकर कहां चला जाएगा, भोजन में चला जाएगा। और जब ये भोजन में जाएगा या फिर बोलेंगे इस डब्बे के अंदर जाएगा, तो सीसा बंद रहने के कारण इसका हीट काफी बढ़ जाता है और हीट यानी कि गर्मी काफी बढ़ने के कारण ये फिर क्या हो जाता है, पक जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है सोलर कुकर। फिर देखो सोलर पैनल और सोलर सेल के बारे में बताया गया है, तो देख सकते हो ये है बच्चों सोलर पैनल। और सोलर पैनल में जानते हो छोटे छोटे सेल लगे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सोलर सेल बोलते हैं। तो देख सकते हो यही है सोलर पैनल, और इस सोलर पैनल में छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं बच्चों, सेल लगे रहते हैं, जिससे कि ये पैनल बना होता है। देखो यहां पर ये देखो छोटा छोटा इसमें चौकोर चौकोर क्या लगा रहता है, सेल लगा रहता है। इस तरीके से सेल लगा रहेगा और इसी से फिर ये पूरा पैनल इस तरीके से बना होता है, ऐसा होता है ये, देख सकते हो यहां पर। तो ये जो सोलर सेल है बच्चों, उसी को मिलाकर क्या बनता है, सोलर पैनल बनता है। तो जब सूर्य का ऊर्जा को ये क्या करता है, रिसीव करता है, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगता है और फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है या फिर डायरेक्ट यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो इसका जो बनावट है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, इसलिए ये जो सोलर सेल है काफ़ी महंगा भी होता है। तो तुम देख सकते हो यह एक डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, यानी जो सूर्य का सौर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यह क्या करता है, बदलता है, मतलब इसको बिजली में क्या करता है, परिवर्तित करता है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाता है या फिर डायरेक्ट अभी यूज भी कर सकते हैं इसको, ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। आप छत या घरों पे सोलर फार्म में बड़े बड़े सोलर पैनल, देखो यहाँ सोलर पैनल देख सकते हो कितना सारा सोलर पैनल लगाया गया है, तो जिस हिसाब का रिक्वायरमेंट होता है उस तरीके से सोलर पैनल को लगाया जाता है, तुमने इसे जरूर देखा होगा। तो सोलर एनर्जी के लाभ देख सकते हो, सोलर एनर्जी नॉन एग्जॉस्टिबल और नॉन पॉल्यूटिंग होता है, मतलब ये क्या होता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और साथ ही साथ सोलर एनर्जी है उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। अब सोलर एनर्जी की खामियां क्या है, तो सोलर एनर्जी यानी कि सौर एनर्जी का उपयोग करने के लिए यदि हम लोग सोलर सेल लगाते हैं, तो उसमें जो पदार्थ होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, उसमें सिलिकॉन का यूज होता है, साथ में उसमें चांदी का भी यूज होता है। तो ये जो सिलिकॉन होता है, चांदी होता है, वो काफ़ी महंगा होता है, इस कारण से सोलर पैनल बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो यदि हम लोग सोलर पैनल घर में लगाना चाहेंगे, तो उतना पैसा हमें खर्चा करना पड़ेगा। सोलर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अभी है वो बहुत महंगी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा के खर्च करना होगा तुम्हें, तब इसको तुम अपने घरों में लगा सकते हो, और इस कारण से इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। अब देखोगे सोलर एनर्जी को दिन के वक्त ही उपयोग में लाया जा सकता है, यह उन्हीं स्थानों पर कारगर हो सकता है जहां साल के अधिकतर दिनों में प्रचुर मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलती है। इसे जाड़े या बारिश के दिनों में या ठंडी जलवायु में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है, जब सौर एनर्जी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिलेगा तभी तो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तो बरसात के दिनों में इससे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि धूप उतना नहीं मिलेगा, ठंडे के दिनों में भी धूप उतना नहीं मिलेगा, तो उस समय में दिक्कत आ सकती है। इसके बाद जो है बच्चों वह है समुद्र से ऊर्जा। तो समुद्र से जो ऊर्जा है उसमें हम लोगों को यह सीखना है कि कैसे आखिर इससे बिजली पैदा किया जाता होगा, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता होगा। तो बच्चों इसको सीखने के लिए बहुत सिंपल सा चीज मैंने बताया है कि कुछ नहीं करना है, कोई भी उपाय से टरबाइन को घुमाना है, और जैसे ही टरबाइन घूमता है फिर उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। और इस टरबाइन को घुमाने के लिए अलग अलग मेथड का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कोयले को जलाया जाएगा,
पानी को क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, उससे स्टीम बनेगा, वाष्प बनेगा, उससे फिर टरबाइन को घुमाया जाएगा और फिर उससे बिजली पैदा होगा। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से डैम में पानी को रखा जाएगा, पानी को नीचे गिराया जाएगा, पानी की धार का जो तेज होता है, जो बहाव होता है, उससे टरबाइन घूमेगा और टरबाइन से बिजली पैदा होगा। तो तुम्हें बस दिमाग में एक ही चीज रखना है कि टरबाइन को किसी ना किसी तरीके से घुमाना है। तो अपने हाथ से भी घुमाओ, जनरेटर तुमने देखा होगा, जनरेटर घूमते रहता है ना, तो घूमता है, तो उसी से टरबाइन घूमता है और उससे क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो समुद्र का जो भी ऊर्जा है उससे यदि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना है तो उस ऊर्जा को हम लोगों को किस रूप में उपयोग करना होगा, टरबाइन को घुमाने के रूप में उपयोग करना होगा। तो देख सकते हो ज्वारीय ऊर्जा है जिसे इंग्लिश में हम लोग टाइडल एनर्जी बोलते हैं। तो देख रहे हो समुद्र में किस तरीके से यदि ज्वार भाटा आता है, ज्वार आता है कई तटीय क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर ज्वार आता है, ज्वार की काइनेटिक एनर्जी के इस्तेमाल से टरबाइन चलाया जाता है। तो बस दिमाग में ही रखना है कि तुम्हें क्या चलाना है, टरबाइन। टरबाइन यदि तुम घुमा दो तो तुम बिजली पैदा कर सकते हो। तो यही बोल रहा है यहां पर कि जो तटीय क्षेत्र है वहां जानते हो कि ज्वार भाटा आता है, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से व्यवस्था वहां पर लगाकर रखा जाता है जिससे कि इस टरबाइन को घुमाया जाएगा और फिर उससे क्या किया जाएगा, बिजली पैदा किया जाएगा। इसके लिए समुद्री किनारों पर खोखले सिलेंड्रिकल टावर बनाए जाते हैं, कुछ स्थानों पर बांध भी बनाए जाते हैं, इनमें टरबाइन लगाए जाते हैं। जब पानी तेजी से अंदर आता है और फिर जब पानी वापस जाता है तो टरबाइन चलता है। इस तरीके से बस सिंपल सा बात समझना है, टरबाइन घुमाना है, काम करना है। दूसरा है तरंग ऊर्जा, वेव एनर्जी। तो तुम जानते हो बच्चों जो समुद्र का तट होता है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, एकदम बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं जिसे हम लोग तरंग बोलते हैं। तो इस तरंग का उपयोग करके भी टरबाइन को घुमाया जाता है। देखो कितना टेक्नोलॉजी विकसित हो गया है, कितने वैज्ञानिकों ने बुद्धि लगाया है, दिमाग लगाया है और बहुत सारे चीज़ों से उन्होंने कैसे बिजली बनाया जा सके ये दिमाग अपना लगाया है और फिर बिजली बनाया उससे जा सकता है। तो देख सकते हो बड़ा सिंपल सा है, ये कुछ खास होता नहीं है। देखो यहाँ पर मान लो कि देखो इसमें इस तरीके से क्या बनाया जाता है, एक चैम्बर बनाया जाता है, बहुत बड़ा बड़ा चैम्बर होता है। तो YouTube पे इसका वीडियो तुम देख सकते हो, YouTube पे तुम यदि सर्च मारोगे वेव एनर्जी तो उसके लिए बहुत मस्त मस्त वीडियो तुमको मिलेगा। तो वेव एनर्जी का पूरा एनिमेटेड वीडियो तुम खोज के देखना जरूर। यहाँ देखो तो पानी का लहर जो है सो इस तरीके से इधर आएगा, इस तरीके से पानी का लहर क्या होगा, इस तरीके से आएगा, बोला ना, ये वेव आएगा और फिर वापस होगा। तो जब वेव आता है बच्चों, तो वेव आता है तो इस चैम्बर में यहां पर पानी घुसेगा और इस टरबाइन को क्या कर देगा, वो घुमा देगा। और जब वेव वापस जाएगा तो भी टरबाइन घूमेगा उल्टा दिशा में, लेकिन यहां पर इस तरीके से टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा कि वो एक ही दिशा में लगातार घूमता रहे और इससे फिर क्या उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन होता है। तो यहां पर समझाना उतना आसान नहीं है, वीडियो तुम देख लेना कहीं खोज के तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वेव एनर्जी मतलब तरंग ऊर्जा का भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इससे भी टरबाइन को घुमाया जाएगा और टरबाइन घुमाकर क्या निकाला जाएगा, बिजली निकाला जाएगा। अब देख सकते हो महासागरीय तापीय ऊर्जा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी। तो इसका उपयोग कैसे हम लोग करते हैं, तो सिंपल सा बात है, महासागरीय तापीय ऊर्जा समुद्र के सतह के पानी और गहरे पानी के तापमान के अंतर पर काम करता है। तो ये बच्चों इसको याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा कि ये कैसे कार्य करता है। तो देखो समुद्र है, तो समुद्र का दो तल तुम्हें समझना है, एक तो समुद्र का ऊपर का तल हो गया और एक बहुत गहरा वाला तल हो गया। तो जो समुद्र का ऊपर का तल है बच्चों, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन जो समुद्र के नीचे का तल है वो क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। यानी कि ऊपर क्या रहेगा, गर्म, और नीचे क्या रहेगा, ठंडा। तो इन्हीं दो लेयर्स का यूज किया जाता है और इन्हीं दो लेयर्स का यूज करके फिर बिजली उत्पादन किया जाता है। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि आखिर ये कैसे होता होगा, तो देखो ऐसे होता है जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो देखो विज्ञान और टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है, कितना ज्यादा वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाते हैं,
तुम भी एक दिन वैज्ञानिक बनोगे तो तुम भी बहुत सारा चीज इन्वेंट कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और वैज्ञानिक बनो। यहां देखना, तो देख सकते हो यहां पर कैसे सबसे पहले सतह का पानी हो गया और गहरा पानी लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक का, दोनों को हम लोग यूज करेंगे और दोनों का यूज करके बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो यहां देख सकते हो इसको उत्पादन के लिए लगभग इसमें 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए। जो ऊपर का सतह है और नीचे का गहरा पानी है उसमें लगभग 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए, तभी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो यहां पर देखो यही है तुम्हारा, ये देखो यही है पूरा सिस्टम। तो सिस्टम बहुत आसानी से समझ सकते हो, ये देखो यही है तुम्हारा समुद्र का सतह, दिख रहा है ये समुद्र का सतह। तो तुम बताओ ये जो समुद्र का सतह है ये ऊपरी सतह हो गया, क्या हो गया ऊपरी, और यहां देख सकते हो ये क्या हो गया निचला सतह हो गया, ठीक है। तो जो ऊपरी सतह है उसका तापमान थोड़ा ज्यादा है और जो निचला सतह है उसका तापमान क्या है कम है। तो यहां देख सकते हो ये यदि 5 डिग्री है तो ये कितना हो गया 25-26 डिग्री, यानी कि 20-21 डिग्री का अंतर है। तो यहां पर कैसे बिजली उत्पादन किया जाता है तुम बोलोगे कि आप बताइए कि यहां बिजली कैसे उत्पादन होता है। उसी तरीके से होता है बच्चों, देखो यहां पर इस चैम्बर में क्या रहेगा, अमोनिया जैसा कुछ गैस रहेगा, दिख रहा है ये चैम्बर, इसमें अमोनिया वगैरह कुछ क्या रहेगा गैस रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं वोलाटाइल गैस। बच्चों क्या बोलते हैं वोलाटाइल गैस। वोलाटाइल गैस क्या होता है, बहुत कम ताप पर भी वो क्या हो रहा है उड़ना शुरू हो जाएगा, मतलब वो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि वो द्रव के रूप में रहेगा तो वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। तो यहां देख सकते हो ये सी वाटर यहां तो गर्म है, क्या बताओ गर्म है, तो इतना ही गर्मी पाकर ये क्या करता है वाष्प बन जाता है, और वाष्प को फिर इधर लाया जाता है। तुम ही बता दो जरा सा क्या किया जाता होगा, जल्दी बताओ। यस, टरबाइन को घुमाया जाता है, वाष्प को इधर लाया गया, लाने के बाद किसको घुमाया गया टरबाइन को। तो टरबाइन इधर से घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी बनेगा और फिर वापस ये जो गैस है नीचे इधर आ जाएगा। गैस आया बच्चों, क्या आया गैस, गैस आ गया इधर। अब ये जो गैस है बच्चों नीचे से ठंडा वाटर को, ठंडा पानी को भेजा जाएगा, दिख रहा है, तो नीचे से ठंडा पानी का भी उपयोग हो गया। तो ये जो ठंडा पानी है इस गैस को वापस से लिक्विड में बदल देगा, तरल में बदल देगा, द्रव में बदल देगा, किसमें बदल देगा द्रव में। तो ये द्रव बन गया और द्रव को वापस पंप के द्वारा यहां भेज दिया जाएगा, दिख रहा है यहां पर वापस से द्रव को यहां भेज दिया जाएगा। अब जब द्रव यहां पर आ गया तो फिर यहां ये गर्मी का उपयोग है, ये गर्म है तो ये फिर यहां आएगा, फिर उसके बाद यहां आएगा, ठंडा पानी इसको क्या करेगा द्रव में बदलेगा, द्रव को कहां भेज दिया जाएगा यहां भेज दिया जाएगा। इस तरीके से यहां पर ओशन थर्मल एनर्जी काम करता है। तो ऊपरी सतह और निचले सतह दोनों का इसमें उपयोग होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, यदि ये एग्जाम में आएगा तो छूटना नहीं चाहिए, मैंने पूरा तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब देखते हैं समुद्र से ऊर्जा के लाभ। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसमें से अधिकतर हिस्सा समुद्र और सागर के रूप में है, इसलिए यदि सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो समुद्र हमारे लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां हैं, अभी इसके लिए टेक्नोलॉजी शुरुआती स्तर में है, सब जगह ये विकसित तो नहीं हो सका है। टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी को केवल तटीय क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या पूरे जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं, जहां ज्वार आता होगा वहीं तो उसका यूज होगा, तो जहां पर तरंग आता होगा वहीं तो उसका यूज हो सकता है, तो हर जगह इसका यूज नहीं हो सकता है। और इससे बोला जाता है कि समुद्र का जो फ्लोरा और फौना है यानी कि जो समुद्री जीव हैं उनको भी हानि पहुंच सकता है। इसके बाद देख सकते हो भूतापीय ऊर्जा। तो बच्चों जानते हो कि बहुत जगह पर ऐसा भूभाग है जहां पर गीजर है या फिर वहां पर ऐसा चीज है जिसके कारण जो पानी वगैरह है वो बहुत गर्म पानी वहां से निकलता रहता है। तो इस तरीके से देख सकते हो, हम जानते हैं कि धरती के अंदर पिघला हुआ मैग्मा भरा हुआ है, कई स्थानों पर धरती की सतह में मौजूद दरारों से मैग्मा की हीट बाहर आती रहती है।
तो जो मैग्मा है हमारे धरती का अंदर का सतह है, वहां पर क्या रहेगा, मैग्मा रहेगा, जो कि कई जगह दरार होंगे, उसमें से वो क्या होता रहता है, बाहर आते रहते हैं, या पानी उसके संपर्क में रहता है तो बहुत गर्म रहता है, और उसका उपयोग करके हम लोग कई तरीके से उसका उपयोग में ला सकते हैं, जैसे कि कई जगह घरों को गर्म करने में या गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो फिर से बताओ किस रूप में करेंगे, बिजली बनाने में करेंगे। तो कुछ खास इसमें नहीं है, यहाँ पर देख सकते हो हम लोग क्या करेंगे, उस ठीक उसी प्रकार से उसको टरबाइन तक ले जाएंगे और फिर टरबाइन घूमेगा और बिजली प्राप्त हो जाएगा। अब देख सकते हो यहां पर इस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से घरों को गर्म रखा जाता है इसके द्वारा। अब आता है तुम्हारा न्यूक्लियर एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत होता है बच्चों। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, तो जो एटम होते हैं, बहुत सारे पदार्थों के जो एटम होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक कभी कभी क्या होता है, जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो नाभिक के आपस में मिलने से एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है, और जब दो नाभिक आपस में मिलेंगे और एक बड़े नाभिक का निर्माण होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या निकलता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक नाभिक है वह टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। और इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। तो क्या तुम्हें पता है कि हमारा जो सूर्य है, सूर्य में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रहा है। उसमें हाइड्रोजन का नाभिक आपस में जुड़ता है और हीलियम का नाभिक बनाता है, हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। और उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, तो सूर्य का जो एनर्जी है वह बोला जा रहा है कि किससे हो रहा है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से बन रहा है। जबकि यहां पर देख सकते हो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या हो गया, कि एक जो नाभिक है छोटे छोटे नाभिकों में टूटता जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। तो यहां तुम देख सकते हो एक यहां पर यूरेनियम दिख सकता है तुमको, यहां देखो ये यूरेनियम है। तो जो यूरेनियम का नाभिक है उसमें जब न्यूट्रॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन से इस तरीके से इसमें आघात कराया जाएगा, तो ये जो है वह क्या होगा, बेरियम और क्रिप्टन में इस तरीके से टूट जाए। तो यहां पर नाभिकीय विखंडन को तुम देख सकते हो। तो नाभिकीय विखंडन में क्या हो रहा है, एक उदाहरण यह है कि यह है बच्चों यूरेनियम, क्या है बताओ, यूरेनियम है, और यूरेनियम के नाभिक को, यूरेनियम के नाभिक को जब तोड़ा जाएगा किसके द्वारा बताओ, न्यूट्रॉन के द्वारा तोड़ा जाएगा, तो उससे क्या बनता है बताओ बच्चों, क्रिप्टन और बेरियम बनता है। ये देखो ये हो गया क्रिप्टन और ये क्या हो गया, बेरियम का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ तीन और यहां पर न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब देखोगे कि ये जो तीन न्यूट्रॉन है फिर से यूरेनियम के तीन नाभिक पर प्रहार करेंगे, तीन नाभिक पर प्रहार करेंगे, और इस तरीके से यहां पर देखोगे कि फिर से यहां पर क्या बनेगा, इस तरीके से दो दो क्या बनेगा, बेरियम और क्रिप्टन बनेगा, और फिर इस बार नौ न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, नौ न्यूट्रॉन बनेगा। तो तुम फिर से यही अभिक्रिया क्या होगा, आगे की ओर बढ़ता चलेगा, मतलब ये अभिक्रिया क्या होता है, चेन रिएक्शन होता है। तो यहां पर ये देख रहे हो जो न्यूक्लियर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा, एकदम छोटा सा, बहुत थोड़ा सा, इतना सा जो तुम्हारा क्या है बताओ, इतना थोड़ा सा ईंधन है, जैसे यूरेनियम यहां पर क्या हो गया, ईंधन हो गया, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्राप्त होता है। बस इसी को ब्रेक करने में इतना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगा कि तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो, और इसका फिर हम लोग उपयोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं फिर से उससे, मान लो कि पानी को गर्म करेंगे, पानी को गर्म करके वाष्प बनाएंगे, वाष्प से बिजली पैदा करेंगे, तो ये सारा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए देख सकते हो यहाँ यूरेनियम का उदाहरण दिया गया है,
तो क्या बोल रहा है, वह कार्बन के एक एटम के दहन से निकलने वाली ऊर्जा का 1 करोड़ गुना होता है। तो कार्बन का एक एटम को जलाया जाए और यूरेनियम के एक एटम को क्या किया जाए, एक एटम का क्या किया जाए, नाभिकीय विखंडन किया जाए, तो वह ऊर्जा कितना होगा, 1 करोड़ गुना ज्यादा होगा। इस तरीके से निकलने वाला जो ऊष्मा है उसका उपयोग करके भाप बनाया जाएगा और भाप से टरबाइन चलाया जाएगा और टरबाइन से बिजली पैदा होगा। तो ये तो मैं शुरू से ही तुम्हें बता रहा हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी के लाभ क्या है, तो बहुत छोटा सा मात्रा में यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, जो ईंधन है वो चाहिए, जैसे कि यूरेनियम वगैरह, और उससे बेहिसाब मात्रा में क्या निकलता है, हमें एनर्जी मिलता है। वायु प्रदूषण बोला जा रहा है इसमें नहीं है, लेकिन इसमें भारी प्रदूषण का खतरा होता है। तो इसका नुकसान देख सकते हो, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो फ्यूल पृथ्वी में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है वो बहुत ही महंगे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पावर प्लांट बनाने के लिए बहुत खर्च आता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत आसानी से तुम नहीं बैठा सकते हो। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हमेशा रेडिएशन लीक होने का खतरा रहता है, जिससे कि नाना प्रकार की बीमारी हो सकते हैं। इससे ना केवल पर्यावरण को नुकसान होता है बल्कि जीन को भी नुकसान पहुँचाता है, यानी कि इसका जो पर्यावरण पर प्रभाव है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इससे कई पीढ़ियों तक क्या हो सकते हैं, विकृतियां आ सकती है। तो बच्चों इस तरीके से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। तो तुम कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें सारी बातें समझ में आई या नहीं आई, तुम्हें और कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी मुझे जरूर बताना, तो मैं उस चैप्टर को बना दूंगा। तो मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।